ओके गाइस, सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा अटेम्प्ट तो है नवंबर 22 में 23 में, बट हमने क्लासेस कर ली थी इसे 2021 में, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद समवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ 2021, किसी ने कहा सर एंड ऑफ 2021। सो कहीं ना कहीं आप लोग ने, हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल ली होगी या आप लोग ने जो सिलेबस पढ़ा है उसमें ईयर ऑन ईयर आईसीएआई ने चेंजेस किया है। सो ऑल आई एम गोइंग टू नाउ डू इज गोइंग टू डिस्कस द चेंजेस जो आईसीएआई ने लाए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। कुछ चीजें ऐड हुई है एंड स्पेशली कुछ चीजें डिलीट भी हुई है। एंड मजे की बात पता है आपको, इंस्टीट्यूट ने एक बार एक कॉन्सेप्ट को, शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड को डिलीट करके भी उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया। बोलो, ऐसे हैं इनके काम। बट थैंकफुली वो क्वेश्चन के ऊपर जितना मार्क्स अलोकेटेड था वो इंस्टीट्यूट ने दे दिया। बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए थी, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ आईसीए। खैर कोई बात नहीं, अपना दिल बड़ा है, अपन ने माफ कर दिया। सो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि वॉट ऑल क्वेश्चन हैव बीन, कॉन्सेप्ट हैव बीन चेंज, मॉडिफाइड, डिलीटेड, जो भी है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। मेरे ये जो पीडीएफ है, सो इम्पोर्टेंट फॉर नवंबर 22 एंड 23 स्पेशली। अगर आपने एक साल पहले अगर लेक्चर्स ले लिए हैं तो उसके बाद जो भी चेंजेस है, इफ यू नो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है देन इन दैट केस ये सेशन देख लो, 5 मिनट में मैं मैक्सिमम एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चेंज आया है वैल्यू शॉप मॉडल में, कॉन्सेप्ट इनसाइड एडेड आफ्टर वैल्यू चेन एनालिसिस। तो वैल्यू शॉप मॉडल का ना स्कोप कम कर दिया है, फ्रेंकली स्पीकिंग बोलता हूं, क्योंकि पहले वैल्यू शॉप मॉडल एक्सटेंसिव था, अभी खाली एक कॉन्सेप्ट इनसाइट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर बाद में आता है मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट में, इसमें दो दो तीन चेंजेस है। सो मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट में अगर आप देखोगे तो डेमिंग का जो इंट्रोडक्शन है दैट हैज बीन डिलीटेड। ये देखो इधर क्या लिखा है, बताया गया ये डिलीशन वाले पार्ट है, ठीक है, ये डिलीशन वाली पार्ट है। EFQM मॉडल में चेंजेस है, लिटिल चेंजेस इन स्ट्रक्चर। अगर आपको ये EFQM मॉडल का जो चेंज्ड वाला वर्जन है वो चाहिए देन इन दैट केस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं एक EFQM का गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर रहा हूं। गो टू दैट गूगल ड्राइव लिंक एंड आपको जो नया वाला EFQM मॉडल है वो अगर आपको पढ़ना है, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम लिंक पे पीडीएफ मिलेगा एंड EFQM मॉडल अगर आपको समझना है देन इन दैट केस गूगल ड्राइव लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, यू विल गेट ऑल योर सॉल्यूशंस। फिर एक TQM इन प्रैक्टिस टाटा ग्रुप है, उसको डिलीट कर दिया है, डेमिंग के इंट्रोडक्शन को डिलीट कर दिया है। EFQM मॉडल में थोड़ा चेंज है इन स्ट्रक्चर, पेज 2.17 ICAI के मॉड्यूल का मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिया है। फिर बाद में अपन सबको पता है कि रोका ऐड हो गया है इन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है उससे रिलेटेड, RTP में भी आया है क्वेश्चन रिलेटेड टू रोका है, कॉन्सेप्ट आया है। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स हैज बीन डिलीटेड, देखो ये प्लीज ध्यान से देखना, ये जब आप लोग इसको रिफर करोगे तो ध्यान रखना ये डिलीटेड वाली चीजें कौन सी है। फिर बाद में कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स में लर्निंग कर्व है, तो जो भी एडेड है वो मैंने यहाँ पे अलग से आप लोगों को दिखा दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो ये सब जो भी है वो एडेड वाला पार्ट है, यहाँ पे जो भी एडेड वाला पार्ट है यहाँ पे दिस इज माय डिलीशन पार्ट। सो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ BPR के इधर आगे टिक है देन इट हैज बीन डिलीटेड, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स के आगे टिक है इट हैज बीन डिलीटेड, लर्निंग कर्व टारगेट कॉस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे ऐड हुआ है, बट डिसीजन मेकिंग में एक क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व का ऑलमोस्ट सिमिलर है, सो आप लोगों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग नो चेंजेस, प्राइसिंग पॉलिसी नो चेंजेस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन में जैसा मैं बोल रहा था शेयर होल्डर्स वैल्यू एडेड हैज बीन डिलीटेड, बट फिर भी गलती से इंस्टीट्यूट ने उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं। बाकी टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग, प्री रिक्विजिट, कॉशन फैक्टर्स ऑफ बेंचमार्किंग, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का एक ग्रैब एंड गो का केस स्टडी है, ऑल ऑफ दिस हैज बीन डिलीटेड। क्या चीज ऐड हुई है, देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैं एडिशन वाली बातें बताऊंगा। एंटरप्रेन्योर एंड मैट्रिक्स मॉडल एडेड इन ऑर्ग स्ट्रक्चर, सो वो चीज ऐड हुई है। ट्रांसफर प्राइसिंग नो चेंजेस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में नो चेंजेस, बजटरी फीडबैक में एक टाइप्स ऑफ फीडबैक था डिलीटेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एज सच नो चेंजेस, केस स्टडीज 3 डिलीट हो गई है, एक वैल्यू शॉप मॉडल के ऊपर, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल बिकॉज EFQM में बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल है उसमें EFQM में चेंजेस है तो बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल का नाउ जो पुराना वाला केस स्टडी दैट इज नो मोर एप्लीकेबल, एंड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में ग्रैब एंड गो का केस स्टडी इज नॉट एप्लीकेबल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। सो आई होप ये डाउनलोड करके आप लोग को भी क्लैरिटी रहेगा दैट आपको क्या बराबर से करके जाना है। सो आई होप दिस मेक्स थिंग्स मोर क्लियर। हास्ता ला विस्ता, टेक केयर। ओके।